पहले पेट्रोल ने लगाई आग, अब पानी छुड़ा रहा है पसीना। आसमान से बरसती आफत ने पहले ही प्रदेश की जनता को बेहाल कर रखा है। ऊपर से पानी की किल्लत ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। इधर आमजन का हलक सूख रहा है तो भाई कांग्रेस हर मुद्दे पर आग लगाने का मन बना चुकी है, फिर वो पेट्रोल हो या पानी। महंगाई से पहले ही टूट चुकी आमजन की कमर पर पेट्रोल के बढ़ते दामों ने और बोझ डाल दिया। इस मुद्दे को भी कांग्रेस ने बखूबी भुनाया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जमकर प्रदर्शन किया। कहीं 20 सड़क पर रोटियां सेकी गई तो कहीं बैलगाड़ी के साथ कांग्रेसी सड़कों पर निकल पड़े। पूरे देश में महंगाई का आगाज हुआ है। कृत्रिम रूप से कैसे महंगाई बढ़ाई जाती है, उस नीति पर मोदी सरकार काम कर रही है। और कर्नाटक इलेक्शंस के समय तो तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे इलेक्शंस खत्म हुए तो अप्रत्याशित वृद्धि की गई। पेट्रोल ही नहीं पानी को लेकर भी कांग्रेसी नेताओं ने जमकर सियासत की। कहीं महिला कार्यकर्ताओं के साथ मटके फोड़े गए तो कहीं खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया गया। कुछ नेताओं का तो यहाँ तक कहना था कि मौजूदा सरकार आमजन विरोधी है और उसे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। राजस्थान में पानी की जबरदस्त किल्लत है और पानी की किल्लत की पूर्ति करना सरकार की ड्यूटी है। सरकार हमेशा जनवरी फरवरी में कंटिजेंसी प्लान बनाती है। सरकार ने कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया, ना तो टैंकरों की संख्या बढ़ाई, ना पानी की व्यवस्था की, ना जयपुर में बिसलपुर का पानी बढ़ाया। पूरे राजस्थान प्रॉब्लम है। ये तो राजधानी का कांग्रेस ने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। आज कांग्रेस एक संदेश देना चाहती है कि पानी में राजनीति नहीं चलेगी। वैसे तो गर्मी के सीजन में हर बार पानी की किल्लत होती है, लेकिन इस बार साल चुनावी है और ऐसे में अगर सरकार लोगों का गला तर करने के बजाय सुखाएगी तो ये तय मानिए कि आने वाले चुनाव में यही जनता मौजूदा सरकार को पानी पिला सकती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।